हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुरभि डेट गर्ल इन यूरोप। आज मैं आप लोगों को एक जगह से मैंने शॉपिंग करी थी और वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है यूरोप में और जर्मनी में, तो मैंने सोचा उसको आपको रिव्यू दूं। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मैंने जो अपनी शॉपिंग करी थी स्प्रिंग के लिए, क्योंकि एकदम से विंटर से स्प्रिंग में आ रहे हैं और मैं चाहती थी मैं डिफरेंट कलर्स ट्राई करूं। तो मैंने कुछ 80 यूरोस की शॉपिंग करी थी, उसमें से ऑफकोर्स कुछ गारमेंट्स मुझे अच्छे लगे, कुछ नहीं लगे। वीडियो उसी के ऊपर होगा और जो वेबसाइट है उसका नाम है ट्रेंडी और, शायद मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ इसको, ट्रेंडी और। और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े दिखते हैं, साथ ही साथ प्राइस जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, तो अच्छा होता है मतलब चीप प्राइसिंग में होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने जब एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे रील, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के जो हैं वो क्यूरीज आई कि इसकी क्वालिटी कैसी है, साइजिंग में क्या डिफरेंस है, क्या साइज लेना चाहिए और वैल्यू है या नहीं, वर्थ है या नहीं, जैसा दिखता है वैसा आता है या नहीं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि आज उन सब का आप लोगों को अपने हॉल के साथ, मतलब मैंने जो जो चीज़ें मंगाई है उसके साथ ही आपको रिव्यू देती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसके जो प्राइजेस हैं वो भी बताती जाऊँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये पर्पल टॉप है, तो मतलब मैंने जितनी भी सारी चीजें और सारी 50% ऑफ पे लिए हैं, क्योंकि अभी कोई इनका डिस्काउंट चल रहा था स्प्रिंग का, तो उनका कूपन यूज करके। तो ये टॉप है और इसी में मैंने एक और चीज मंगाई, बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है, फैब्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है और देखने में भी अच्छा है। मतलब तो इस टाइप के कपड़े जो हैं वो ज़ारा वगैरह में भी आते हैं पर थोड़े महंगे होते हैं, तो उस केस में मुझे लगता है कि ये जो है वो परफेक्ट है। और जो सेकेंड है वो सेम पर्पल कलर में, पिंक कलर में को अगर कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है तो मैं डिफरेंट कलर्स मंगा लेती हूँ, तो उसी में मैंने ये मंगाया। बहुत ही क्यूट पीस है। मैं जनरली हाई वेस्ट जीन्स और क्रॉप टॉप पहनती हूँ, तो उस पर जो है ये बहुत अच्छा आता है। सबसे अच्छी बात ये जीन्स जो है ये भी मैंने वहीं से मंगाई है, और सबसे अच्छी बात जो जीन्स का फिट है वो एकदम ज़ारा फिट है, या मैं ये बोल सकती हूँ जो फिट मुझे पसंद है। तो मॉम स्लिम फिट जीन्स है और उसका फिट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैंने सब कुछ जो है कुछ स्मॉल साइजेस में मंगवाया है, जो डेनिम है वो लार्ज में मंगाई हुई है, मतलब 40 में। मैं आपको साइज इसलिए बता रही हूँ कि इनके साइजेस थोड़े अप हैं, तो जैसे अगर आप स्मॉल पहनते हो तो शायद आपको एक्स्ट्रा स्मॉल आए, आप मीडियम पहनते हो तो आपको स्मॉल आए, पर ऑफ कोर्स आप जो साइज चार्ट है वो देख सकते हो। पर ये जो है वो स्मॉल है और ये जो है वो 40 है डेनिम, और दोनों ही मुझे एकदम जैसे मैं जाके और खरीद के लाती हूँ वैसा फिट आ रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। ये गाइज ये है मेरी नेक्स्ट ड्रेस। ऐसी ड्रेस मैंने भाई कभी ट्राई नहीं करी पर बहुत कंफर्टेबल है। ये बैग जो है वो H&M का है, मैंने इसमें ऐड किया है, पर ये पूरी एक वन पीस है, मतलब जंप सूट है पर ड्रेस जैसा लुक दे रहा है। और मैं आपको इस लुक में भी दिखाती हूँ और विदाउट बेल्ट भी दिखाती हूँ, क्योंकि दोनों में ही बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी जब गर्मी आएगी तो मैं इसको बहुत पहनने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर है। और मैं शायद हो सकता है इसके और भी प्रिंट्स हैं वो भी ट्राई करूँ, क्योंकि इस फिटिंग में मुझे अभी तक कोई ड्रेस नहीं मिली, और मिलती भी है तो वो बहुत महंगी होती है। तो गो गो गो, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो बहुत कम्फर्टेबल है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करें। और ये है नेक्स्ट ड्रेस, मतलब ये पूरी ड्रेस है, ये जो जैकेट है वो पहना हुआ है, जो इस पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा का पूरा मेरा स्टाइल है, समर्स में मैं बहुत ज्यादा पहनने वाली हूँ इस लुक को। मतलब ये बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही ज्यादा कलरफुल है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बताना कि आपको कैसा लगा, थोड़ा पूरा लुक दिखा दे। तो ये है नेक्स्ट टॉप। अभी तक मैंने क्रॉप टॉप्स तो बहुत सारे ब्रांड्स पे देखे, लेकिन शर्ट, ये कॉटन की शर्ट है, मैंने मीडियम साइज में मंगाई है और ये मेरा मतलब बहुत ही अच्छा वाला लुक है, क्योंकि मैं इसमें अच्छा रेबन का चश्मा और ट्राउजर या जीन्स हाई वेस्ट की और ये पहन के आराम से
बाहर जा सकती हूँ कभी भी, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी जरूर कमेंट करना। और फैब्रिक वगैरह भी बहुत अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। पर हाँ, आपको इसमें एक चीज बताऊंगी कि अगर आप इस टाइप का कुछ लेते हो तो साइजिंग चेक कर लेना और एक साइज जो है वो आप मंगाना, यही एक चीज है। बाकी आप रेडी, मतलब मेरे को थोड़ा सा समर समर वाला फीलिंग आने लगा है ऑलरेडी हॉल में ये आपको देते देते। पर हाँ, आप लोग जब तक सोचो कि कौन सा सबसे अच्छा है अभी तक का, तब तक मैं नेक्स्ट लेके आती हूँ। और ये है नेक्स्ट ड्रेस। पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छी लगी है क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है, ढीली ढाली सी है। ढीले कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अगेन इसमें मैंने मीडियम साइज मंगाया, लेकिन शायद मुझे इसमें स्मॉल साइज मंगाना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा फिट होता। और इसमें भी मुझे कोई बुराई नहीं लग रही, तो मुझे ये भी अच्छी लगी। और आपको ये वाली कैसी लगी जरूर बता देना। आई रियली लाइक इट। और हाँ, ये जो है वो लास्ट गारमेंट है जो कि एक शर्ट है। इसको मैंने अपनी ही डेनिम के साथ स्टाइल किया है, मतलब डेनिम और शर्ट। ये कलर बहुत ज्यादा प्यारा है। अभी जो गर्मी आने वाली है, मुझे लगता है मैं ये कलर बहुत पहनूंगी क्योंकि मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात इसकी फिट। तो ये है लास्ट। पर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जैसे मुझे कुछ गारमेंट्स अच्छे नहीं भी लगे तो मैंने 10 के लगभग मंगाए थे, उसमें से 2 अच्छे नहीं लगे, मतलब 80% रेशो। वाओ, मतलब 80% कपड़े जो है वो मुझे अच्छे लगे और मैंने वो रख लिए, और 20% जो है वो वापस कर रही हूँ। और रिटर्न पॉलिसी भी वैसी है, सेम टू सेम। कुछ टाइम है, उस टाइम पे आप रिटर्न कर सकते हो उनकी वेबसाइट के थ्रू, उनकी ऐप है उनके थ्रू, आप जो है वो रिटर्न कर सकते हो, जैसे जर्मनी में और जगह होता है। और आप DHL पे जाके उन्हें दे सकते हो, जैसे वो रिसीव करेंगे वो आपका जो भी मनी है, जो भी अमाउंट है, वो वापस आपको भेज देंगे। ये मैंने पहले भी कराया है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इट्स लाइक जैसे दूसरी वेबसाइट काम करती है, दूसरी ब्रांड्स काम करते हैं, वैसे ही ये ट्रेंडी वर्ल्ड जो है वो काम करता है। और ये एक टर्किश ब्रांड है, मतलब टर्की बेस्ड ब्रांड है। तो वैसे भी मैंने बहुत सुना था इस्तांबुल और टर्की में जो है फैशन, मतलब कपड़े जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, एटलीस्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये मैंने देख लिया है। हम लोग बहुत बार पहले जो है वो इस्तांबुल आते थे ट्रेंड्स देखने की, ट्रेंड क्या चल रहा है, फैब्रिक्स कौन से न्यू आ रहे हैं, किस तरीके के गारमेंट जो है वो ट्रेंड में है, किस तरीके के ट्रेंड्स जो है वो अभी मार्केट में है, जनरली जो है वो फैब्रिक वगैरह देखने आते थे। तो गाइस, इसी के साथ मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, इस तरीके के वीडियो मुझे और करने चाहिए या नहीं वो भी बताना। और अगर आप वीडियो में 500 लाइक कर देते हो तो मैं आपको पक्का एक फैशन, मतलब कपड़ों का गिव अवे करूंगी, पक्का पक्के से, आई प्रॉमिस। पर आपको उसके लिए वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। और कमेंट में ये जरूर लिख देना प्लीज, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, मतलब इन सब में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। सो बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वही जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं वो सब करके जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें हम रोज की लाइफ जो है वो दिखाते हैं, वो देखने मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट और ब्यूटीफुल वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू ट्रेंडी ऑल, आई लव यू।